अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 3 साइंस है आपका सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर 5 था जो हम डिस्कस कर रहे थे, द लाइफ साइकिल्स ऑफ अ प्लांट। उसका आज हमने टॉपिक पढ़ना है जर्मिनेशन। हमने सीड की जर्मिनेशन या सीड जो है एक प्लांट में कैसे बनता है, वो जो है प्रोसेस कैसे होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लुक एट द डायग्राम फर्स्ट। ये जो आपकी बुक पे पेज नंबर 44 पे डायग्राम बनी हुई है जर्मिनेशन की, लुक एट, ये देखिए सीड है। सीड को हमने सॉइल में दबा दिया। लेट सी द नेक्स्ट व्हाट हैपन। देखिए अगले थोड़े दिनों के बाद, ये कुछ वीक्स के बाद आपने देखा कि द सीड बिगेन्स टू ग्रो। सीड में एक छोटा सा जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा है ग्रीन कलर का। देन ये मज़ीद जो है कुछ वीक्स और कुछ डेज के बाद जो है ये ग्रो किया। द रूट अपीयर्स एंड बिगेन्स टू ग्रो। ठीक है, अब ये देखें रूट्स जो है सबसे पहले सीड से निकलेंगी और रूट्स जो हैं बढ़ती गई और सॉइल के अंदर एंटर हो रही हैं। देन आफ्टर फ्यू डेज द शूट पुशेज अप एंड बिगेन्स टू ग्रो। और उसके बाद शूट, शूट कहते हैं वो एरिया जिसमें लीव्स लगने होते हैं, स्टेम बनती है, उस एरिया को हम प्लांट के पार्ट को हम शूट कहते हैं। अब ये देखें शूट जो है ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो गई है। टाइनी रूट्स टेक इन वाटर, छोटी छोटी रूट्स पानी के अंदर सॉइल के अंदर चली गई और उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर को शुरू कर दिया। द शूट ग्रो ग्रीन लीव्स और आफ्टर फ्यू डेज आप और वीक्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक छोटा सा प्लांट जो है जिस पर छोटे छोटे से लीव्स लगे हुए हैं स्टेम के साथ, वो जो है वो ग्रो हुआ है सीड के साथ। और इस तरह से एक सीड जो है प्लांट में चेंज हो जाता है। सीड यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग। इनसाइड ईच सीड देयर इज अ बेबी प्लांट। व्हेन अ सीड इज पुट इनटू सॉइल एंड गेट्स एनफ वाटर सनलाइट एंड एयर, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड। इस तरह से सीड जर्मिनेट हो गया। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर